केंद्र सरकार हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। इसी उद्देश्य से मनी बी इंस्टीट्यूट नागपुर ने 1 फरवरी को शाम 6:30 बजे चिटनविस सेंटर नागपुर में अमृतकाल बजट विश्लेषण नामक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में नागपुर की जानी मानी युवा उद्यमी एवं अर्थशास्त्र की अभ्यासक शिवानी दानी वाखरे मार्गदर्शन करेगी। बजट मतलब क्या सस्ता है, क्या महंगा है या टैक्स रियायतें, बल्कि इससे आगे आम लोगों के जीवन पर इसका क्या असर होगा, इस कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य विश्लेषक शिवानी दानी वाकरे के साथ शिक्षा तज्ञ प्रोफेसर मोहन गंधे, स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट इस विषय पर IIM नागपुर के प्रोफेसर शिवाजी धवड़, सोने और अर्थव्यवस्था पर रोकड़े ज्वेलर्स के राजेश रोकड़े मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश लोया करेंगे। ये कार्यक्रम मनी बी संस्थान नागपुर द्वारा विगत 12 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है। आयोजकों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने और आयोजन का लाभ उठाने की अपील की है। तो वह कल हम लोग शाम को बजट पर विश्लेषण करेंगे। गत 12 वर्षों से मनी बी इंस्टीट्यूट यह कार्यक्रम कर रहा है और कल भी 12 वर्षों समान कल ही फिर एक बार जिस दिन बजट प्रस्तुत होगा उस दिन शाम को इस पर विश्लेषण करने वाले कि बजट में केवल क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ नहीं, सामान्य व्यक्ति के लिए क्या क्या चीज़ें देखने लायक है, क्या क्या चीज़ें देखने जरूरी है, इस सारे विषयों पर कल शाम को हम चर्चा करेंगे। बजट का विश्लेषण मैं स्वयं करूंगी, इसके साथ साथ इसके अध्यक्ष सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश जी लोया रहेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स पर बात करने के लिए शिवाजी धवड़ है। इकोनॉमिक्स इस विषय पर बात करने के लिए मोहन गंधे सर है। देन गोल्ड एंड इम्पोर्ट्स इस विषय पर बात करने के लिए राजेश रोकड़े जी है। मैन्युफैक्चरिंग पर बात करने के लिए भी एक कोई वक्ता रहेंगे और मैं रहूँगी। बजट में कुछ आंकड़े देखने बेहद इंटरेस्टिंग रहेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट के क्या आंकड़े, क्या टारगेट्स लेकर चलता है सरकार और उसको अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता है। फिजिकल डेफिसिट के क्या आंकड़े होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, पिछले साल तो रिकॉर्ड तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, इस साल क्या करने वाले, ये सारी चीज़ें देखने लायक होगी। भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं वो लोग बोलते हैं जो आंकड़े शायद कम समझते हैं और जिनको अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। इधर उधर की बातें सुनकर बोलना भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं ये गलत होगा। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो दुनिया जहाँ पर हर एक चीज़ के लिए तरस रही, हर एक चीज़ के लिए कठिनाई महसूस कर रही है, वहाँ पर भारत की ऐसी एकमात्र अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में जो दुनिया को दिशा दिखाने की ताकत रखती है। यूरोप में महंगाई आसमान छू रही, हम लोग वहाँ पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम उनके डेट के इश्यूज़ अलग है और हमारे यहाँ पर हम लोग मेक इन इंडिया हो या बाकी सारी चीज़ें हो, हम लोग नए नए क्लस्टर्स तैयार कर रहे हैं। अमेरिका में अलग इश्यूज़ चल रहे हैं और हमारे यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर डिफेंस के अलग अलग इक्विपमेंट्स हो, उन सारी चीज़ों के बारे में फोकस कर रहे हैं। सो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे पायदान पर है, अच्छे परिस्थिति में है। ये बजट उसको कहाँ पर लेकर जाएगा ये देखना ज़रूरी होगा। दुनिया की मंदी का असर निस्संदेह कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर थोड़े से उसकी जो गर्म हवाएं होंगी उसकी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर भी पड़ेगी, लेकिन हम लोग मंदी में जाएंगे ऐसे कोई भी आसार नहीं है। NBC न्यूज के लिए कैमरामैन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।